जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया। 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है। हमारा कोई च्वाइस नहीं है बेटा, अपने भी हम कुछ नहीं तो सबके हित में चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी, शराब नीति की तारीफ आप छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य की टीम पहले भी आता था, इस बार भी आई। विधायक थे, 7 MLA थे और उनके और अधिकारी लोग भी आए थे। कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं, हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हमों से भी मिले थे। तो ये सारी बात वहाँ हुई है, तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न, उसमें एक महिला भी MLA थी, बहुत अच्छे ढंग से एक बात को देखा है कितना अच्छा। हमने बता दिया कि भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। कुछ तो आदमी का स्वभाव ऐसा होता है, तो उसको क्या कीजिएगा सब थोड़ी। लेकिन मैक्सिमम और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसकी जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो अभी जब हम फिर दोबारा करवाए तो अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 2,00,000 लोगों ने छोड़ दिया। उस वक्त हमने कहा था भी महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई, आप देख रहे हैं ना अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं इतना बढ़िया से। अब पहले लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे, बहुत शांतिपूर्ण होली भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेट पे क्या कहेंगे, पटना से लेकर दिल्ली बम्बई हर जगह रेट बढ़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या करना है, जो कर रहा कर रहा, आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना। आपका सहयोगी पार्टी जो आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया, कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग ले हुए, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था तब फिर हो रहा था, कौन चीज कर रहा, क्या कर रहे हैं तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो नौ दलों के सर पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया, जो CBI ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के नहीं कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इच्छा, हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए, वहाँ सामने भी है, कहाँ कहाँ गए।
जितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके करना बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए कहाँ कहीं जाने का भी जरूरत है। हमको उससे मतलब है, जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियाँ एक साथ है तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा हो गया, हम तो वेट कर रहे हैं। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बराबर किए ही हैं। अब आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग हो चुका है, नहीं सीपीएम का जो था हो रहा था तो भाई इसमें माले का उनको उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स तो कह ही रहे हैं, तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करें, सब तो सोच करके तो होगा। जो क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब कौन चीज है? ये सबको तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है? मेरी समझ से कोई खास इशू सर, जांच एजेंसी पर इसके सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था क्या हुआ? कहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना उन लोगों को, रोज बोलना पड़ता है। तब भी इसलिए हम नहीं जानना चाहते कि आप खामोश क्यों हैं इस पर। किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पर। कौन सी पर? जो जांच हो रहा है, सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले? एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा? बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम सर, जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर, तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। तो वो जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको जिन पर क्या होगा, वो तो जिन पर होता है तो ये लोग सब लोग बता देते हैं। गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदलने? नहीं ना सर, हम नहीं हैं।